रोमांटिक तो डेफिनेटली होगा, हमारा हर एक दिन रोमांटिक होता है, मगर ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक इस साल हम वैलेंटाइंस डे घर पे ही मनाएंगे और पराग मेरे लिए कुक करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल कैंडल लाइट डिनर एट होम और फिर हम स्नगल अप करके कुछ मूवीज देखेंगे, टीवी देखेंगे, वील स्पेंड अ रोमांटिक इवनिंग टुगेदर। सस्पेंस रखना तो मतलब मैंने छोड़ दिया 10 साल से, आज तक एक भी सरप्राइज सक्सेसफुल नहीं हुआ मुझे पता चल जाता है। तो अभी तो सरप्राइज मैंने सोचना भी प्लान करना भी बंद कर दिया, लेकिन मैं भी मरते दम तक कोशिश तो करूंगा एक बार तो सरप्राइज करूंगा आपको ऑफ कोर्स यार कुछ जो भी इनको पसंद है वो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से कुक करूं और साथ में हम लोग बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है कि हम लोग साथ में बैठ के बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आर वर्क। तो उस दिन आराम से पूरा दिन बैठ के बातें करेंगे, मैं उनको निहारूंगा वो तो आप अभी भी कर रहे हैं। यू नो टुडे इज प्रॉमिस डे, सो ऐसे कुछ प्रॉमिस डे मैं पराग से ये प्रॉमिस करती हूँ मैं उनको कम डांटूंगी और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डांटने का मौका ही नहीं दूंगा। So, ऐसी कोई मेमोरी रहती है आप लोगों की, क्योंकि 10 साल आप लोग साथ में, तो ऐसी कोई मेमोरी रहती है जो आप लोग ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पर? बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बट मेरे लिए खास करके एक मेमोरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जब मैं बिग बॉस के घर में थी, मैं इनसे कम्प्लीटली कट ऑफ थी और 3 महीने के ऊपर हो चुके थे, मैंने इनको देखा नहीं था, यहाँ तक कि जो फोटो फ्रेम्स भी मैं लेके गई थी अपने घर से इनकी और मेरे फैमिली की, वो भी चोरी हो चुकी थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा घर को मिस कर रही थी, बहुत वल्नरेबल थी, घर में स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और फिर फैमिली वीक हुआ और पराग घर पे आए और उनको देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि 10 साल से हम साथ में हैं ज़रूर, मगर ये पहला ऐसा मौका था जब 3 महीने हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मैंने तो पराग को नहीं देखा था, पराग फिर भी मुझे टीवी पे देख लेते थे। तो मेरे लिए वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जो मैंने फील किया था जब मैंने पराग को 3 महीने बाद देखा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इमोशनल हो गई थी। एक्चुअली सेम ही है, बिकॉज हम लोगों ने कभी आज तक एक दूसरे से दूर नहीं रहे हैं। काम के सिलसिले में भी अगर हमें बाहर जाना पड़ता है तो हम लोग सुबह सुबह उठ के सोने से पहले फेस टाइम कर लेते हैं, आज वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, आप ठीक हो, सब कुछ है। और वो घर ऐसा था बिग बॉस घर में ना, तो उनका मैं सिर्फ वेट करता था 10:30 बजने की कि मैं उनको देख पाऊँ कि वो ठीक है नहीं है, और दूसरी टेंशन होती थी वो 24 घंटे की फुटेज में से सिर्फ 1 घंटा देखते थे, हो सकता है 23 घंटे में उनकी तबीयत कैसी है, वो सब टेंशन लगी रहती थी। और इनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं ठीक हूँ, घर पे सब कुछ ठीक है, आधे से ज़्यादा टेंशन तो उनको यही रहती थी कि घर पे सब ठीक तो है, माइंड में चलता रहता है। तो मैंने उनको इतने टाइम तक नहीं देखा था, और उधर से वहाँ देख के जो वहाँ पर चीज़ें होती थी और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था और ज़्यादा परेशानी होती थी। तो जब मैं बिग बॉस घर में गया, इनको देख के मतलब मैं पागल हो गया था और ओवरवेलम था और इमोशनल था बहुत ज़्यादा। तो वो फीलिंग कभी लाइफ में ना तो डिस्क्राइब कर पाऊँगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब वो जो फीलिंग थी। और दूसरा और है जो हमारा बहुत फेवरेट पल है मेरे लिए, हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे पेरिस गए हुए फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी तो वहाँ पर आईफिल टावर के नीचे उस दिन उस इवनिंग में एक्चुअली उन्होंने एक प्लान किया था, पिकनिक प्लान किया था। सो वहाँ पे इन्होंने बोला, मैं एक्चुअली इन्होंने बोला कि आप जाओ ना कुछ आप घूमो फिरो, वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे कुछ लोग, इन्होंने बोला आप बास्केटबॉल पसंद है आप जाके खेलो। मैं वहाँ से वापस आया और थोड़ी देर में तो सब कुछ सेट था वहाँ पे, पूरा नीचे चटाई उसके ऊपर खाना, उन्होंने मैंने प्लान किया था, और आईफिल टावर के नीचे हम लोगों ने बैठ के सेलिब्रेट किया था, बनाई थी हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक था वो, बहुत यादगार है वो पल। वहाँ कुछ प्रॉमिस किया था आपने, आप लोगों ने एक दूसरे को? हमने डेफिनेटली वहाँ एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया था कि हम मेमोरीज क्रिएट करेंगे और खूब ट्रैवल करेंगे साथ में, दुनिया देखेंगे एक साथ और दुनिया के अलग अलग कोने में जाके एक नई नई मेमोरीज बनाएंगे। आप में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है अगर बता सके आप? हाँ, वो थोड़ा मैं हूँ पर आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक ब्यूटीफुल कमेंट मिलते हैं
हाँ यार भाई ऐसी बीवी हो तो कौन रोमांटिक नहीं होगा. आदमी शायर ना हो तो भी शायर बन जाता है यार. उनके घर पे ऑलरेडी पहले से थी. मैंने जब दरवाजा खोला एंटर किया, एंटर करते सामने एक लड़की बैठी थी जिन्होंने व्हाइट टॉप पहना हुआ था और व्हाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे और बिल्कुल परी लग रही थी. और मैं तो देखते ही खिल गया था. वायलिन बजने लगे थे. देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. गिटार वायलिन सब इंस्ट्रूमेंट बजने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि इनके बाल उड़ रहे हैं. स्टॉर्म फैन लगा दिया किसी ने. तो फुल फिल्मी था मेरे लिए. तो लव एट फर्स्ट साइट था. और बस मैं कोशिश करने लगा कि इनसे कैसे बात करूं यार, बिकॉज मैं तो एक छोटे से कस्बे का लड़का हूं यार. और इंग्लिश विंग्लिश भी ओके ओके बोलनी आती थी. और ये बॉम्बे की लड़की वो भी शिफाली जरीवाला, इतनी सोफिस्टिकेटेड. मुझे तो पहले से लगता था कि मेरी लीग से बाहर है यार. लेकिन वहाँ कोशिश की, देखा, ओवर हियर कर रहा था कॉन्वर्सेशन. मैंने कहा नहीं, यहाँ तो इंटेलिजेंट बातें हो रही, मेरा मेरे कुछ नहीं मतलब. तो एक जगह इन्होंने बात करनी शुरू की फिटनेस की. मैंने सुनाई दिया फिटनेस. ओ मैंने कहा ये तो अपना, मैं कूद गया कॉन्वर्सेशन में कि दिल मजबूत करके कूद गया. वहां से हमारी थोड़ी आइस ब्रेक हुई, हमने बातें करना शुरू किया. नंबर फ्रेंड से ले लिया मैंने. हाँ, वो तो हो जाता. हाँ, तो फिर इनको फिर ऐसे कर करके हमारा. पर मैंने इनको बहुत तरसाया था वैसे. उस टाइम आपको ऐसी फीलिंग आ गई थी कि ये आप लड़कियों को हमेशा ना, लड़कियों को गॉड गिफ्ट होता है. हमको पता चल जाता है कि ये थोड़ा ट्राई मार रहा है और फिर हम नखरे करती हैं. वैसे अंदर से अट्रैक्ट तो डेफिनेटली मैं हो गई थी, मगर इतने इजीली थोड़ी मैं जाहिर करूँ. तो मैंने काफी महीनों तक इनको लटका के रखा. फिर हमने डेटिंग शुरू की, फिर हम साथ में रहने लगे और फिर शादी. आपने अभी बताया कि मैंने बहुत तड़पाया ही नहीं. तो जी बहुत ज्यादा तड़पाया. मतलब ये आप बताना चाहेंगे? हाँ बताइए यार. मैं तो वो तड़पने में भी, मैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी तड़पाया मुझे यार. ये तो मिलना चाहते थे मुझसे. मैं कहती थी कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकती. और मैं फोन पे भी मतलब चार कॉल करते थे तब पांच कॉल. प्यार आसानी से मिल जाए फिर कतर नहीं होता ना उसकी. तो मैंने तड़पाया थोड़ा. और एक तो क्योंकि आप लोगों ने बिग बॉस की बात की, तो आप तो लास्ट टाइम बिग बॉस का पार्ट भी थे, तो इस बार कुछ फॉलो कर रही हैं? जी मैं देख रही हूँ बिग बॉस फर्स्ट टाइम एज एन ऑडियंस. और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है गेम. एंड आई थिंक फिनाले की ओर जा रहे हैं हम. और मेरे फेवरेट है रूबीना और राहुल, और बहुत नेक टू नेक है. दोनों के फैंडम्स भी बहुत स्ट्रांग है. दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो हु विंस दिस सीजन. मैं इनके थ्रू सुनता रहता हूँ, कभी कभी मौका मिलता देख लेता हूँ. अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है. राखी के कुछ क्लिप्स आते रहते हैं उनको देख के. राखी बहुत एंटरटेनिंग है, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया लोगों को. बट हाँ ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स जो हैं रूबीना राहुल एंड मुझे एली भी लगता है. एली बहुत सुलझा हुआ, बहुत अच्छा गेम खेल रहा है. चलिए सो हम अपने वैलेंटाइन डे पे अगेन आ जाते हैं कि आई नो मैंने ढेर सारे इंटरव्यू सुने, तो आप लोगों ने बताया कि एवरी डे आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे होता है. सो 14th ऑफ फेब, ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग आप लोगों के लिए है? एंड नहीं, नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला हुआ है तो हम घर पे ही रहेंगे. और सरप्राइज ये होगा कि आई वुड लाइक टू नो व्हाट परा कुक्स फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आई दैट ही विल कुक फॉर मी एंड वील हैव अ कैंडल लाइट डिनर एट होम. और फिर हम स्नगल वगल करके पिक्चर विक्चर देखेंगे, कोई रोमांटिक सी. सो अ नाइस क्वाइट फन इवनिंग एट होम इज व्हाट वी आर प्लानिंग. सो ऑडियंस को जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अवतार में देखेंगे. मैंने शूटिंग खत्म कर दी है उस चीज की, मगर मैं इसके बारे में रिवील नहीं कर सकती बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स हमें अलाउ नहीं करते. बट आई एम श्योर बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा. और अबाउट पराग वी विल टेल. मैं तो ऑलरेडी अभी दो शो चल रहे थे, नागिन और शक्ति, आप लोग देख रहे थे. नागिन अभी खत्म हो गया है, शक्ति चल रहा है. बाकी कुछ ऑफर्स हैं, मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया है किसको लेना है. सो लेट्स सी, बट बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल ही जाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हैप्पी वैलेंटाइन्स डे. हैप्पी वैलेंटाइन्स डे.